वेलकम स्टूडेंट्स, इस सवाल में हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो इसे हम लिख सकते हैं 3a का स्क्वायर प्लस 1 बाई 3a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3a इंटू 1 बाई 3a। यहाँ पे 3a 3a कैंसिल होके हमें माइनस 2 ही मिलेगा, माइनस यहाँ पे अगर हम 4 कॉमन लें तो बचेगा 3a माइनस 1 बाई 3a इज इक्वल टू। अब आप देख रहे हो कि ये तीनों जो टर्म है ये 3a माइनस 1 बाई 3a के होल स्क्वायर के फॉर्म में है। सो इसे हम लिख सकते हैं 3a माइनस 1 बाई 3a का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचा है माइनस 4 इंटू 3a माइनस 1 बाई 3a। अब हम 3a माइनस 1 बाई 3a को कॉमन ले सकते हैं। सो अगर हम कॉमन लें तो बचेगा 3a माइनस 1 बाई 3a, और यहाँ पे बच रहा है 3a माइनस 1 बाई 3a, और यहाँ पे माइनस 4 है। सो यही हमारा आंसर होगा। थैंक यू।